लोकसभा चोणां दे लई अज पहले गेट दी वोटिंग तमिलनाडु ते उत्तराखंड दीआं सीटां लई अज पैणगीआं वोटां राजस्थान दीआं 12 यूपी दीआं 8 ते एमपी दीआं 6 सीटां ते वी होवेगी वोटिंग। मुख्यमंत्री महाराज फतेहगढ़ साहब च करनगे चोण प्रचार पार्टी उम्मीदवार गुरप्रीत सिंह जीपी लई मंगणगे वोटां जनसभा नूं वी करनगे संबोधन। आप दे 13 उम्मीदवारां नूं सीएम मान ने दित्ता जित दा मंत्र 13-0 दा दित्ता नारा कहा ए हार जित दीआं चोणां नहीं बल्कि संविधान दी है लड़ाई इस बार जेल का बदला वोट नाल लेना। केजरीवाल दी डाइट नूं लैके ईडी दा वड्डा दावा कहा केजरीवाल नियमित तौर ते खा रहे मिठिया चीजा ते मिठे फल ताकि शुगर लेवल वधन ते बेल लई बनाया जा सके मेडिकल आधार। आम आदमी पार्टी दा वड्डा इल्जाम केजरीवाल नूं जेल च मारन दी हो रही है साजिश केजरीवाल दी सेहत दा नहीं रख्या जा रहा ख्याल। आप विधायक अमानतुल्ला खान तो 12 घंटे तक ईडी ने किया मैराथन पूछगिछ अद्धी रात तक किए बयान दर्ज पहला आईसी अमानतुल्ला की गिरफ्तारी की खबर। 23 साल मासूम दिलरोज की कातल नूं लुधियाना कोर्ट ने सुनाई फांसी की सजा 2021 च गुआंढन महिला नीलम ने ही किया कतल अगवा कर जिंदा दफना दिती सी बच्ची। रोपड़ पुराने मकान की मुरम्मत दौरान हादसा मकान उपर चुकते वक्त ढहटेरी हुई इमारत मलबे थले दब गए मजदूर एक दी लाश मिली दोनों चंडीगढ़ पीजीआई की तरह। रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी दरबार साहब हुए नतमस्तक गुरु घर का लिया आशीर्वाद। सत श्री अकाल जी, मैं हां सरबजोत कौर, न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करांगे। लोकसभा 2024 चोणां दा बिगुल बज चुका है ते अज पहले गेट दी यानी कि पहले फेज दी वोटिंग शुरू हो चुकी है। वोटिंग सवेरे 7 बजे तो लेके दस दिए कि शाम 6 बजे तक होएगी ते लोकसभा चोणां दे पहले गेट लई वोटिंग शुरू हो चुकी है। 10-21 सूबिया दियां 102 सीटां ते वोटिंग हो रही है। शाम 6 बजे तक वोटां पैणगियां। 1,87,000 पोलिंग स्टेशन इस बाबत बनाए गए ने। तमिलनाडु दियां सारियां ही 39 सीटां ते मतदान हो रहा है। इस विचाले उत्तराखंड की असीं गल कीती उत्तराखंड दियां सारियां 5 सीटां ते भी वोटां पाईयां जा रहियां ने। राजस्थान दियां 12 अते यूपी दियां 80 चो 8 सीटां ते वोटिंग हो रही है। पहले गेट च कुल 1625 उम्मीदवार होणगे चोण मैदान च उतरे ने। इन्हां चो 1491 पुरुष ने। इस विचाले 134 महिला कैंडीडेट्स चोण मैदान च उतरे ने। अपनी किस्मत इन्हां दे वल्लों अजमाई जा रही है। इस विचाले 8 केंद्र मंत्रियां वालियां सीटां ते वी वोटां पै रहियां ने। नितिन गडकरी जो कि ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने सब तो वड्डा चेहरा ने जो कि चोण मैदान च उतरे ने। अपनी किस्मत उन्हां दे वल्लों अजमाई जा रही है। पहले गेट च कुल वोटर 16.63 करोड़ ने ते 8.4 करोड़ पुरुष अते 8.23 महिला वोटर करोड़ ने ते पहले गेट च 33.6 लाख फर्स्ट टाइम वोटर्स ने ते पहले गेट दी वोटिंग शुरू हो चुकी है। सवेरे 7 बजे तो लेके आज वोटां ने आ शाम 6 बजे तक पैनिया ने। इस विचाले पहले गेट दी वोटिंग है। 16 मार्च नूं कोड ऑफ कंडक्ट लग गया सीगा जदों कि इलेक्शन कमीशन दे वलों इलेक्शंस दा अनाउंस कीता गया सीगा। पूरे ही देश च 7 गेड़ां च चोणां पैनिया ने, मतदान होणा ने। इस विचाले 5वां गेड़ 20 मई नूं है, 6वां गेड़ 25 मई नूं है, 7वां गेड़ जून 1 नूं है ते 7 गेड़ च आ वोटां पैणियां ने। इस विचाले 4 जून नूं सारे ही देश दे नतीजे ऐलाने जाणगे। 21 सूबियां दियां 102 सीटां ते वोटिंग शुरू हो चुकी है। सवेरे 7 बजे तो लैके शाम 6 बजे तक आ वोटां पैणगियां। इलैक्शन कमीशन दे वल्लों दस दिए कि सारे इंतजाम कीते गए ने ते तस्वीरां तुहानूं विखा रहे हैं जो वोटर्स जो पोलिंग स्टेशन तक पहुंच गए ने। इस विचाले उन्होंने वालों मतदान अपने वोटिंग हक का इस्तेमाल किया जा रहा है। तस्वीर विखा रहे हैं ते शाम 6 बजे तक आ वोटा पैणगियां। तस्वीर तुहानू विखा रहे हैं जो तमाम वोटर्स ने अपने वोटिंग हक का इस्तेमाल करने लई उत्थे पहुंच गए ने। वड्डे चेहरे तुसी अपने टीवी स्क्रीन ते वेख पा रहे हो। वोटिंग हक दा इस्तेमाल उन्हां दे वल्लों कीता जा रहा है। अज वड्डा दिन है ते तमिलनाडु दियां सारियां सारियां 39 सीटां ते वोट पाईयां जा रहियां ने। इस विचाले 7 गेट च आ पूरे इलैक्शन होने ने।
पहले गेट की अज वोटिंग शुरू हो चुकी है। तमाम जो वोटर्स ने उन्होंने वालों वोटिंग हक का इस्तेमाल किया जा रहा है। तीसरे विचाले मोहन भागवत तस्वीर च वेखे जा सकते हैं, अपने वोटिंग हक का इस्तेमाल करने पहुंचे ने। पहले गेट के VIP चेहरे भी तुहानू अपनी TV स्क्रीन पर विखा रहे हैं, जिन्हों के वालों अपनी जो किस्मत है उदा ते लगाई गई है। भूपेंद्र यादव जो ने राजस्थान अलवर तो चोन मैदान च उतरे ने। इस दे विचाले किरण रिजिजू जो नागपुर महाराष्ट्र तो चोन मैदान च उतरे ने। नितिन गडकरी नागपुर महाराष्ट्र तो चोन मैदान च उतरे ने। जम्मू कश्मीर तो दर्जिक उधमपुर तो जितेंद्र सिंह चोन मैदान च उतरे ने। BJP के कैंडिडेट ने भूपेंद्र यादव अलवर राजस्थान तो चोन मैदान च उतरे ने। तमाम वड्डे चेहरे तुसी अपने TV स्क्रीन पर वेख पा रहे हो। लोकतंत्र के त्यौहार की शुरुआत हो चुकी है। 21 सूबों दी 102 सीटा ते मतदान पैना शुरू हो चुका है। लोग उत्थे पहुंच रहे ने, अपने वोटिंग हक का इस्तेमाल उन्होंने वालों किया जा रहा है। ते वड्डे चेहरे तुहानू वखा रहे इस विचाले मोहन भागवत तस्वीरां च वेखे जा सकते ने, अपने वोटिंग हक का इस्तेमाल करने लई पोलिंग स्टेशन पहुंचे ने। तमाम जो आम जनता भी है, आम वोटर भी ने, उन्होंने वालों भी अपने वोटिंग हक का इस्तेमाल किया जा रहा है। ग्राफिक्स जरिए तुहानू दस रहे हैं कि किन्ना किन्ना सूबों दीआं किन्नियां किन्नियां सीटां ते वोटां पैणियां शुरू हो चुकियां ने। शाम 6 बजे तक वोटा पैणगियां। तस्वीरां च मोहन भागवत तस्वीरां च वेखे जा सकते ने। इस विचाले अपने वोटिंग हक का इस्तेमाल करने लई पहुंचे ने। हथ उन्होंने वालों विखाया जा रहा है कि उन्होंने वालों अपने वोटिंग हक का इस्तेमाल किया जा रहा है। ते 7 गेड़ा च पूरियां वोटा पैणगियां। पहला गेड अज है 19 अप्रैल, दूसरा गेड 26 अप्रैल नू है, तीजा गेड 7 मई नू है, चौथा गेड 13 मई नू है, पंजवा गेड 20 मई नू है, छेवां गेड 25 मई नू है, 7वां गेड जून 1 नू है। 4 जून नू सारे ही देश दे नाल ही इकट्ठे ही रिजल्ट जो ने लोकसभा चुनाव 2024 दे ऐलाने जाणगे। ते वड्डे चेहरे तुहानू टीवी स्क्रीन ते विखा रहे मोहन भागवत सवेरे तड़के सवेरे ही पहुंच गए ने। उन्होंने वालों अपने वोटिंग हक का इस्तेमाल जो है किया गया। तमाम जनता भी एक एक करके शुरू हो रही है, क्योंकि हाल ही छोने 7 बजे ही चोणा पैनिया वोटा पैनिया शुरू हुई ने। जाहिर जी गल है कि शाम 6 बजे तक वोटा पैणगियां। ते हर जो वोटर है पोलिंग स्टेशन का रुख करेगा, ते अपने वोटिंग हक का इस्तेमाल उसके वालों किया जाएगा। तमिलनाडु की 39 सीटा, राजस्थान दिया 12 सीटा, उत्तर प्रदेश दिया 8 सीटा, इस विचाले असम दिया 5 सीटा। भविष्य निर्धारित करते हैं एक तरह से, और इसलिए सब लोगों ने मतदान करना चाहिए। देश के इसको ध्यान में रखते हैं, अपना विचार स्वयं करके मतदान करना चाहिए। और इसलिए आज सबसे पहला व्यक्तिगत कार्य मैंने ये किया है कि मैंने मतदान किया। मतदान हे आपलं कर्तव्य आहे आणि आपला अधिकार सुद्धा आहे। मतदानाने येत्या 5 वर्षाकरता आपण आपल्या देशाचं भाग्य निर्धारित करतो, आणि म्हणून प्रत्येकाने मतदान केलं पाहिजे। 100% मतदार मतदानात आले पाहिजे। म्हणून आज पहिलं काम जे मी केलं उठल्यावर ते मी मतदान केलं। तस्वीर हम तुम विखा रहे वड्डे चेहरे एक एक करके विखा रहे पी चिदंबरम TV स्क्रीन पर वेखे जा सकते हैं। पोलिंग स्टेशन उत्थे पहुंचने लाइव तस्वीर तुम वेख पा रहे हो। इस दे विचाले उन्होंने वालों अपने वोटिंग हक का इस्तेमाल किया जा रहा है। पी चिदंबरम तस्वीर च वेखे जा सकते हैं, पोलिंग स्टेशन वो पहुंचे ने, ते उन्होंने वालों अपने वोटिंग हक का इस्तेमाल जो है वो किया जा रहा है। साबका केंद्र कैबिनेट मंत्री ने तस्वीरां च वेखे जा सकते हैं। इस तो पहला मोहन भागवत RSS के मुखी ने, वो अपने वोटिंग हक का इस्तेमाल करने लिए पहुंचे सिगे, ते इस विचाले उन्होंने वालों अपने वोटिंग हक का इस्तेमाल कर लिया गया है। ते हुण पी चिदंबरम लाइव तस्वीर तुसी वेख पा रहे हो। साबका कैबिनेट मंत्री ने, केंद्र मंत्री ने, ते उन्होंने वालों अपने वोटिंग हक का इस्तेमाल किया जा रहा है। पहले गेट की वोटिंग शुरू हो चुकी है, लोकतंत्र का त्यौहार शुरू हो चुका है। इस विचाले जो जनता है वो अपने आगू नू चुनेगी। तो इस विचाले पहले गेट की वोटिंग शुरू हो चुकी है। सवेरे 7 बजे तो लैके शाम 6 बजे तक आ वोटा पैणगियां। इस विचाले तमाम वड्डे VIP चेहरे भी तुसी अपनी TV स्क्रीन पर वेख पा रहे हो, जिन्हां दे वलों इस बार अपनी जो है वोटिंग इसी विचाले अपनी किस्मत आजमाई जा रही है। तो दस दिए कि 21 सूबे इस शामिल ने, 102 सीटा जो कैंडिडेट्स ने उतारे गए ने।
इसे दे विचाले उन्हां दी किस्मत दा फैसला अज जो आम जनता है वह करेगी। तस्वीर एक एक करके तुहानूं विखा रहे हैं। मोहन भागवत सज्जे पासे तस्वीरां च वेखे जा सकते हैं। आर एस मुखी ने सवेरे तड़के सवेरे ही 7 बजे पोलिंग स्टेशन पहुंचे। उन्होंने वालों अपनी वोटिंग हस्ता इस्तेमाल किया गया। पी चिदंबरम भी तस्वीरों से वेखे जा सकते हैं। उन्होंने वालों भी वोट पाई गई है तो अपने वोटिंग हक का इस्तेमाल किया गया है। तो राजस्थान दिया दस दिए कि 40 चो 12 सीटा दिया 80 तो यूपी दिया 8 सीटा पर वोटिंग शुरू हो चुकी है। पहले गेट च कुल 1625 उम्मीदवार चोन मैदान च उतरे ने। 1491 पुरुष ने 134 महिला उम्मीदवार चोन मैदान च उतरे ने, जिन्हों के वालों अपनी किस्मत जो है वो अजमाई जा रही है। 8 केंद्र मंत्रियों वाली सीटा पर भी वोटा पै रही ने। नितिन गडकरी सब तो वड्डा चेहरा ने, जिन्हों के वालों अपनी किस्मत जो है वो अजमाई जा रही है। जैसी नितिन गडकरी की गल करिए, इसके बाद नहीं फिर से पूछूं। मतदान अपना कर्तव्य है, मतदान अपना अधिकार है, 100% मतदान होना चाहिए। इसलिए आज पहला काम मैंने मतदान का किया है। मोहन भागवत नूं असीं सुणिआ, उन्होंने कहा है कि जो वोटिंग करना है वो अधिकार है, साडा कर्तव्य है, तो मैं चाहना है कि जो मतदान है वो 100% होए। तो मोहन भागवत तस्वीर च असीं वेखे सीगे जिन्हां दे वल्लों अपने वोटिंग हक का इस्तेमाल किया गया। पी चिदंबरम भी उत्थे पहुंचे, इस विचाले उन्होंने वालों भी अपने वोटिंग हक का इस्तेमाल किया गया। जे असीं गल करिए तो 8 वड्डे VIP चेहरे ने वो चोन मैदान च उतरे हुए ने। तो तमिलनाडु के CM स्टालिन पहुंचे ने, तस्वीर च वेखे जा सकते हैं। उन्होंने वालों अपने वोटिंग हक का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो एक एक करके जो VIP चेहरे ने वो भी अपने वोटिंग हक का इस्तेमाल करने लई पहुँच रहे थे। तमिलनाडु के CM जो ने स्टालिन वो पहुंचे ने, उन्होंने वालों अपने वोटिंग हक का इस्तेमाल किया जा रहा है। हाल ही असी वेखा सीगा कि PM नरेंद्र मोदी दे वालों दस दिए कि तमिलनाडु सब तो ज़्यादा चोन प्रचार ऐतकी किया गया। जैसे पर्टिकुलर तमिलनाडु की गल करिए, तमिलनाडु जो लोकल जो उ पार्टीज़ ने उही कितना कितने जेतू रहिंदियां ने। तस्वीर वेख रहे हैं तमाम जो VIP चेहरे ने एक करके अपने वोटिंग हक का इस्तेमाल करने लिए पहुँच रहे हैं। नितिन गडकरी दस दिए कि ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने ते हैट्रिक लगाने की इस बार सोच रहे हैं। लोकसभा चोणा 2014 उन्होंने वालों जीतिया गई सी, 2019 भी उन्होंने वालों चोन जीती गई सी, हुण तीजी बार चोन मैदान च उतरे ने। नागपुर सीट तो उन्होंने वालों अपनी किस्मत अजमाई जाएगी। काफ़ी कद्दावर नेता ने इस विचाले, जे असी यूपी की गल करिए 80 सीटा ने यूपी दियाँ लोकसभा च। ते आ कहावत भी है कि जिसने यूपी जित लिया उसने सारा ही भारत जित लिया। तो पर्टिकुलर यूपी दियाँ 80 चो दस दिए कि 8 सीटा ते अज वोटिंग होन जा रही है, क्योंकि काफ़ी वड्डा सूबा है। तमिलनाडु एक एहोजा स्टेट है जिथे कि 39 सीटा ते अज पूरियां ही जो वोटा पैणगियां। इस विचाले 7 फेस च आ वोटिंग होन जा रही है। तस्वीर तुहानू विखा रहे हैं, तमाम VIP चेहरे वड्डे चेहरे एक एक करके अपने वोटिंग हक का इस्तेमाल कर रहे हैं। सवेरे 7 बजे तो लैके 6 बजे तक आ तमाम वोटा पैणगियां। इलेक्शन कमीशन के वालों पुख्ता इंतजाम किए गए हैं ताकि जो लोग ने वोटर ने उत्थे पहुंचन ते अपने वोटिंग हक का इस्तेमाल उन्होंने वालों किया जाए। तमाम वड्डे चेहरे एक करके तुहानू विखा रहे हैं, जिन्हां दे वल्लों तड़के ही पोलिंग स्टेशन का रुख किया गया। अपने वोटिंग हक का इस्तेमाल इन्हां तमाम आगुआं दे वल्लों किया गया। रसमुखी तस्वीरां सानू वेखण नू मिले सीगे। नितिन गडकरी इसे विचाले वो नागपुर तो अपने किस्मत अजमा रहे ने। पी चिदंबरम वेखे जा सकते हैं, इन्हां दे वल्लों अपने वोटिंग हक का इस्तेमाल किया गया है। तो 8 केंद्र मंत्रियों वाली सीटा पर भी अज वोटा पै रही ने, जिन्हां दे वल्लों अपनी किस्मत अजमाई जाएगी। पहले गेट च 33.67 लाख फर्स्ट टाइम जो वोटर्स ने, हाल ही जिन्हां दियां पहली बार वोटा बनिया ने, उन्होंने वालों भी अपने वोटिंग हक का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो 7 गेट च पूरियां तमाम चोणा नेपरे चढ़नगियां। पहला गेड़ अज है तो लोकतंत्र का त्यौहार शुरू हो चुका है। तमाम जो जनता है अपने आगुआं नूं चुनेगी। इस दे विचाले अज पहले गेट की वोटिंग है, दूसरे गेट की वोटिंग 26 अप्रैल नूं है, तीसरे गेट की वोटिंग 7 मई नूं है, चौथे गेट की वोटिंग 13 मई नूं है, पंजवें गेट की जो वोटिंग है पोलिंग है वो 20 मई नूं है, 6वें गेट की 25 मई नूं है, जून 1 नूं 7वें गेट की वोटिंग है। तमाम पंजाब की जनता नूं भी इंतजार रहेगा। पंजाब च भी 7वें जो गेट की वोटिंग च वोटां पैणगियां। हिमाचल च भी 7वें गेट दियां
जो वोटा हैं गया उसकी फेस च चोणा पैन गया। तमाम वड्डे चेहरे तुसी एक एक करके वेख रहे हो। पोलिंग स्टेशन का रुख उन्होंने वालों किया जा रहा है ते अपने वोटिंग हक का इस्तेमाल वो कर रहे हैं। तो लोग सभा चोणा के पहले गेड़ लई वोटिंग शुरू हो चुकी है। तमाम लोगों का जमावड़ा भी पोलिंग स्टेशन पर लगना शुरू हो चुका है। वोटिंग हक का इस्तेमाल उन्होंने वालों किया जा रहा है। तमाम उपले पास से महिलावां भी वेखिया जा सकदियां ने। लोगों की लाइन लगनी शुरू हो चुकी है। वध चढ़ के न्यूज़ 18 भी दर्शकों को अपील करता है कि वध चढ़ के जो है पोलिंग स्टेशन का रुख किया जाए तो अपने वोटिंग हक का इस्तेमाल किया जाए। तो पहले गेट की वोटिंग शुरू हो चुकी है। 21 सूबे ने 21 स्टेट्स ने 102 सीटा दे लई आ पूरा मतदान हो रहा है। केड़े सूबे किनिया सीटा ने? तमिलनाडु दियां 39 सीटा ने, राजस्थान दियां 12 सीटा ते वोट अज पै रही है। इस विचाले पहला फेज 19 अप्रैल 102 सीटा ते उम्मीदवार चोन मैदान च उतरे ने। फेज दूसरा 26 अप्रैल है, 99 सीटा ते आ मतदान होएगा। इस विचाले पहले गेट दे वीआईपी तमाम चेहरे तो टीवी स्क्रीन ते वखा रहे नागपुर तो महाराष्ट्र तो। इस विचाले नितिन गडकरी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं।